ओम शांति। आज 19 मई 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। इस समय क्यों दरकार है? क्योंकि इस समय सारे तमो प्रधान पतित दुखी हो गए। जब सारी दुनिया तमो प्रधान पतित दुखी हो जाती है तब श्रीमत की जरूरत होती है। जब तक सारे सुखी हैं तो क्या जरूरत है? क्या कहा भी जाता है, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सिमरण करे, सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को। भारत हीरे जैसा बनेगा, सबकी गति सदगति होगी। सबकी क्या हो जाएगी? गति भी हो जाएगी और सदगति भी हो जाएगी। इसलिए बाबा की श्रीमत सबको जरूरत है। इस समय सबको बाबा की श्रीमत की जरूरत है। प्रश्न, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं है? सर्वशक्तिमान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं है? उत्तर, रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिमान बाप में, मनुष्यों में नहीं। राम की शक्ति के सिवाय ये रावण मर नहीं सकता। जब तक राम से, परमात्मा से शक्ति ना मिले तब तक कोई रावण को मार नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं ये होली हंसों की सभा है। होली हंस माना पवित्र आत्माओं की सभा है। यहां सब कौन बैठे हैं? ब्राह्मण। यहां सब कौन बैठे हैं? ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है। यदि वो पवित्र नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। अपवित्र को शूद्र वर्ण का कहेंगे। ब्राह्मण को पवित्र कहेंगे, अपवित्र को शूद्र वर्ण का। बात समझ में आई? जो पुरुषार्थी हैं उन्हों को हाफ कास्ट। जो पवित्र हैं वो ब्राह्मण, जो अपवित्र हैं वो शूद्र, और जो पुरुषार्थी हैं, जो अपने में सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, कभी पवित्र बनते हैं तो कभी अपवित्र बनते हैं, कभी पवित्र बनते हैं तो कभी अपवित्र बनते हैं, क्योंकि अभी सुधरे नहीं है ना, तो वो कहाँ है? वो है हाफ कास्ट, आधे ब्राह्मण आधे शूद्र। ठीक है? नहीं, जब पवित्र हैं तो ब्राह्मण, अपवित्र हैं तो शूद्र। तो वो क्या है? हाफ कास्ट ब्राह्मण, आधे ब्राह्मण आधे शूद्र। ना इधर के तो ना उधर के, ठीक है? ना इधर के, ठीक है? नहीं, ना इधर के ना उधर के। एक पांव उस पार जाने वाली नाव पर, एक पांव इस पार जाने वाली नाव पर। अब उसका क्या होगा? तो डूबेगा, चिरा जाएगा, ठीक है? एक पांव इस पार वाली नाव पर और एक पांव उस पार वाली नाव पर तो चिरा जाएगा ना। इसलिए निर्णय करना चाहिए किस तरफ जावे।
अगर कोई असुर बैठे होंगे तो विघ्न डालेंगे। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। शिव के लिए ही बाबा अक्षर मुख से निकलता है। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर हैं, वे भी है निराकार। विश्व का रचयिता, विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र हैं पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे ना। लक्ष्मी नारायण क्या थे? पारस बुद्धि थे ना। माया से बुद्धि मारी जाती है, माया से बुद्धि मारी जाती है। माया का नाम भारत में मशहूर है, माया का नाम भारत में मशहूर है। इस समय माया रावण का राज्य है, अर्थात रावण संप्रदाय है, इसलिए रावण को मारते हैं, इसलिए रावण को मारते हैं। परंतु मरता नहीं है। राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत कोई पा नहीं सकते। सर्वशक्तिमान से ही शक्ति मिलती है। वे तो है एक परम पिता परम आत्मा, परम पिता परम आत्मा। उनका ना सूक्ष्म शरीर है और ना स्थूल शरीर। बोला हमारा ये स्थूल शरीर है, उनका कैसा शरीर है? उनका ना तो सूक्ष्म शरीर है और ना हमारे जैसा स्थूल शरीर। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का सूक्ष्म शरीर है, उनका स्थूल शरीर नहीं है, परंतु शिव बाबा का तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? शिव बाबा तो सिर्फ एक आत्मा है, और जैसे हम आत्मा है, उनका कोई शरीर नहीं। उनको हम जैसे स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर को हम इन दो आंखों से देख सकते हैं, सूक्ष्म शरीर को केवल मन की आंख से देख सकते हैं। मन की आंख से कैसे दिखाई देता है? जैसे एक सपना होता है, वो कौन देखता है? मन देखता है। जैसे अभी आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, चाहे उसने शरीर छोड़ दिया हो, आप उसको याद करेंगे तो आपको दिखाई देगा ना, ठीक है? तो इसी प्रकार से अब उसको पकड़ना चाहे तो हम पकड़ नहीं सकते। इसी प्रकार जो संकल्प रात को सपनों में आते हैं, वो हमारे ही संकल्प होते हैं। जो सपने देखते हैं, वो हमारे ही संकल्प हमें दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे हमारे मन में कुछ संकल्प किसी टाइम के रह गए, आधे अधूरे, ठीक है? वो हमें दिखाई देते हैं, बाकी कोई वो होता नहीं है। तो वो हमें ऐसे लगता है जैसे कि वो हमारे सामने हो रहा है, परंतु एक्चुअल में होता नहीं, ठीक है? कई बार मैं देखता हूँ कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब ब्रेक लगाना चाहता हूँ, ब्रेक नहीं लग रही है। फिर देखता हूँ कि पैर टेढ़े हो रहे हैं, ब्रेक कहाँ से लगेगी, सोया पड़ा है, ठीक नहीं? ब्रेक लगाए तो कौन लगाए? मतलब प्रैक्टिकल मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, मतलब कई बार मेरे को ऐसा लगा कि मैं ब्रेक लगाना चाह रहा हूँ, अच्छा फिर गाड़ी को कुछ हो भी नहीं रहा, तो कहीं से भी निकल जाती है गाड़ी, किधर भी चली जाती है, कुछ नहीं होता। फिर बाद में पता लगता है कि तू सोया हुआ है भाई, तेरे ब्रेक पैर चले कहाँ से, ठीक नहीं? फिर तो अटके पड़े हैं। तो मतलब कहने का यह है कि सपना सपना ही होता है। सपना मतलब हमारे संकल्प होते हैं कि ऐसे जा रहे हैं तो हमें ब्रेक लगानी है। ब्रेक तो लगे तब जब हम जागे हुए हो, पैर तो गाड़ी भी नहीं है, बैर कुछ भी नहीं है, और मैं सोया हुआ हूँ, वैसे के वैसे गाड़ी चल रही है, ठीक है? मतलब क्या होता है कि ये हमारे जो मतलब हमारे मन के द्वारा हमें लग रहा है, दिख रहा है, और बुद्धि के द्वारा बाबा को देखा जा सकता है। बुद्धि के द्वारा हम आत्मा को देख सकते। बात समझ में, अंतर समझ रहे हैं? मतलब तीनों आंखों से, मतलब दो आंखों से हम किसको देख सकते हैं? स्थूल शरीर को, और मन की आंख से देख सकते हैं दुनिया में जो कुछ भी, चाहे भूत हो प्रेत हो, वो सूक्ष्म शरीर में आया है,
मान लो कोई आया है, तो मैंने कई बार आपसे चर्चा की कि वो उसी को दिखाई देता है जिसके साथ उसका हिसाब किताब है, बाकियों को दिखाई नहीं देता। जबकि दिखाई दे तो फिर सबको दे, स्थूल होता तो सबको दिखाई देता, वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म केवल उसी को दिखाई देता है जिसके साथ उसका हिसाब है, जिसको वो दिखना चाहता है, जिसको वो दिखना चाहता है, ये उसके और देखने वाले का हिसाब किताब। परंतु परमात्मा को हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख सकते हैं, जिसे बुद्धि योग या बुद्धि का तीसरा नेत्र, जिसके द्वारा हमने ईश्वरीय ज्ञान को स्वीकार किया और उस ज्ञान से हमने समझा कि हम इतनी सूक्ष्म आत्मा है, इतना ही सूक्ष्म परमात्मा है कि जिसको हम ना तो किसी तरीके से बना सकते हैं, ना इन आंखों से देख सकते हैं। इन आंखों से तो क्या दुनिया के किसी भी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते, किसी भी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। तो यह है तीसरा नेत्र, यानी मन है सूक्ष्म लोक को देख सकता है, परंतु बुद्धि से हम परमात्मा को और हम आत्मा को समझ सकते हैं। ना स्थूल ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि वे निराकार फिर भारत में कैसे आया। आत्मा ऑर्गन्स के बिगर तो कर्म कर नहीं सकते, आत्मा बिना शरीर के अंगों के कोई काम कर नहीं सकती। कुछ भी समझते नहीं इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, पत्थर बुद्धि कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, भगवान है ऊंचते ऊंच, भगवान है ऊंचते ऊंच। उनकी सबसे ऊंच मत है, उनकी क्या है, सबसे ऊंच मत है, नहीं तो भगवान का सिमरण क्यों करते, नहीं तो भगवान का सिमरण क्यों करते हैं। उनकी मत सिमरते हैं जरूर, भगवान के आने का भी ड्रामा में पार्ट, भगवान का आने में भी ड्रामा का ड्रामा में पार्ट, तभी आते हैं, पार्ट नहीं हो तो वो नहीं आए। मनुष्य समझते नहीं। बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले गीता सुनाई गई थी, क्राइस्ट से 3000 साल पहले गीता सुनाई गई थी, परंतु ये तो बताओ वे गीता किस नेशन को किस युग में सुनाई गई, किस राष्ट्र में, किस देश में और किस युग में सुनाई गई और किसने सुनाई। एक ही शास्त्र में कृष्ण भगवानो वाच लिखा हुआ है, फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी, एक ही किताब है दुनिया में जिसमें भगवानों वाच लिखा है। बाकी दुनिया में जितनी भी किताबें हैं किसी ने भगवानों वाच नहीं लिखा, और ये भगवानों वाच लिखने वाला भी कौन है, व्यास। इसमें कृष्ण का तो कोई मतलब नहीं है, व्यास ने कृष्ण को भगवानों वाच लिख दिया, तो ये और ही बहुत बड़ा पाप हो गया, है नहीं। जो भगवान नहीं है उसको भगवान लिख रहे हो, और दुनिया में भगवान मान लिया, परंतु ये देखिए कि बाइबल या इब्राहिम या बेशक वो भगवान को नहीं जानते, परंतु उन्होंने भगवान किसी इंसान को नहीं कहा, किसी देहधारी को भगवान नहीं माना, मतलब ये उनकी विशेषता है, परंतु इन्होंने तो उनको ही भगवान मान लिया, बुद्ध मनुष्यों को ही भगवान मान लिया।
रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाए। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते। कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, तब तो भक्त लोग पुकारते हैं। शिव बाबा कहते हैं, कृष्ण बाबा तो कोई नहीं कहता, क्योंकि कृष्ण तो है ही बच्चा, बाबा माना बाप। कृष्ण हमारा बाप कैसे हो सकता है? कृष्ण हमारा पिता कैसे हो सकता है? कैसे कहें उसको कि वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है? बस कह दिया उन्होंने कृष्ण भगवान। उन्होंने जिस भी मूर्ति को, जिस भी देवी देवता को भगवान कह दिया। परंतु सोचे कि वो हमारा बाप कैसे है, कोई भी नहीं सोचता। समझते हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा। भक्ति करने के बाद कौन मिलेगा? भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू होती है, भगवान कब मिलता है? पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता, ये कोई भी नहीं जानते। तुम भी शूद्र वर्ण के थे, अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाया? शिव बाबा ने। यह है रचयिता। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ब्राह्मणों की चोटी भी है, क्योंकि साकार में है ना। परंतु उनको बनाने वाला निराकार है। उनको बनाने वाला कौन है? निराकार है। वे परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। यह अक्षर पक्का याद कर लो। ड्रामा अनुसार जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है, तब मुझे आना पड़ता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। तुमको पतित से पावन बनाए सुख शांति का वर्षा आकर देता हूं, बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता है। बरोबर सतयुग त्रेता नई दुनिया थी, जो राम ने स्थापन की, राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक। राम अक्षर इतना ठीक नहीं है, शिव बाबा अक्षर ठीक। मतलब मुझे शिव बाबा कहो ये ज्यादा अच्छा लगता है, राम अच्छा। शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है, तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है। वे आकर वर्षा देते हैं। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है। जब शूद्र से ब्राह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, तब उनको गीता सुनाई। तब उनको गीता सुनाई। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। ज्ञान अंजन ज्ञान का सुरमा, बाकी कुछ सुरमा नहीं। मतलब आंखों में रोशनी आ गई, हमें ज्ञान मिला तो हमें क्या मिली? रोशनी मिली। जब तक ज्ञान नहीं मिलता तब तक रोशनी नहीं मिलती, अंधेरा दिखाई देता है। किधर जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, तब तक वो द्विधा में रहते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। बच्चे कहते हैं बाबा नरक जैसी दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलो। अब कहां ले चलो? स्वर्ग में ले चलो। ये है शिव भगवानोवाच, शिव आचार्यवाच। शिव आचार्य शिव बाबा, शिव आचार्य कौन है? शिव बाबा बेहद का संन्यास सिखलाते हैं। शंकराचार्य का है हद का संन्यास,
शंकराचार्य का क्या है? हद का संन्यास। बेहद का बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को भूल जाओ, पुरानी दुनिया को भूल जाओ, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। कहाँ चलना है? सदा सुख की दुनिया में चलना है। कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं ना, कृष्णपुरी सतयुग को, कंसपुरी कलयुग को कहा जाता है। दोनों इकट्ठे हो ना सके, दोनों इकट्ठे हो ना सके। सतयुग में फिर कंस कहां से आया? बुद्धि से काम लेना चाहिए ना, बुद्धि से काम लेना चाहिए ना। अब बाप खुद आया है स्वर्ग का अथाह सुख देने। बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में जो पड़े वे पड़े, जो पड़े वे पड़े, फिर तो राजाई स्थापन हो जाती है। बाप ही आकर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। वो लोग हिंदू को क्रिश्चियन या बोधी बनाएंगे। वो लोग क्या करते आकर हिंदुओं को मुसलमान बनाएंगे, क्रिश्चियन बनाएंगे, बोधी बनाएंगे। परंतु ये कभी सुना, कभी सुना कि शूद्र को ब्राह्मण बनाया जाएगा? शूद्र वर्ण को ब्राह्मण बनाने वाला ये एक ही बात, बाकी तो आकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, दूसरे धर्म वाले को दूसरे धर्म में अपने धर्म में बदलेंगे, परंतु शूद्र वर्ण को ब्राह्मण बनाना ये तो शिव बाबा का ही काम है। वही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम पहले किस धर्म में और किस वर्ण के थे, किस धर्म में और किस वर्ण के थे। गुरु कौन था, शास्त्र कौन सा पढ़ते थे, गुरु कौन था, शास्त्र कौन सा पढ़ते थे, गुरु से क्या मंत्र मिला, फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया, फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया, ये हर एक से लिखाना चाहिए। अब तुम बच्चों को तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, माना मेरी श्रीमत पर चल। माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी, माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर देवी संप्रदाय बनना, फिर क्या बनना है, देवी संप्रदाय बनना है। तुम्हें निराकार परमपिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है। बच्चों को हर एक से लिखाना चाहिए, जो भी आवे आपके सेंटर पर उससे क्या करो, लिखवा लो। क्या लिखवाना है, क्या लिखवाना है, किस धर्म के थे, किसको पूजते थे, गुरु किया या नहीं, फिर ब्राह्मण वन में कौन लेकर आया, ये बाबा भी लिखेंगे, ब्रह्मा बाबा भी लिखेंगे। क्या हम हिंदू धर्म के कहलाते थे, गुरु बहुत किए, शास्त्र बहुत पढ़े। सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं, सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का पता नहीं है। ऐसे नहीं,
कि सिख धर्म वाले अपने देवता देवता धर्म कहलाए देवता कहलाएंगे, हर एक अपने को अपने धर्म वाला ही कहलाएंगे। अब बाप कहते हैं जो शिव के भक्त व शिव की रचना देवी देवताओं के भक्त होंगे उन्हों को सुनाना है, उन्हों को सुनाना है, वो अच्छी रीति सुनेंगे। सतयुग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जिन्हों के चित्र भी हैं, इंग्लिश में डीटीइज्म कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डीटीइज्म, देवी देवता भरत। अभी बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, अब तुम ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण वाले बन रहे हो। भारतवासी ही आपे ही पूजे, खुद तो पूजे देवता थे, फिर आपे ही अपनी मूर्तियों की पूजा करने लग पड़े। सतयुग में पूज्य थे, बाबा कहते हैं मैं एवर पूज्य हूं। शिव बाबा क्या कहते हैं? हमेशा, मैं कभी भी पुजारी नहीं बनता हूं। अभी यहां तुम आए हो, क्या करने आए हो भाई? इतनी गर्मी में घर में आराम से नहीं बैठ सकते थे, क्या करने आए हो? राजयोग सीखने। क्या सीखने आए हो? राजयोग सीखने, भविष्य 21 जन्मों के लिए, भविष्य 21 जन्मों के लिए राजयोग सीखने के लिए आए हो, शिव बाबा से अपना वर्षा लेने के लिए आए हो, तो फिर फॉलो करना चाहिए, कहना मानना चाहिए। जब तक तुम ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे, ब्रह्मावंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं बनेंगे, मतलब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने का मतलब क्या है? क्लास में आ जाना, पवित्र बनना, आधे वाले नहीं, हाफ कास्ट वाले नहीं। आज बाबा ने समझा दिया ना, एक है ब्राह्मण, एक है आधे ब्राह्मण आधे शूद्र, और एक है शूद्र, क्या नहीं? ब्रह्मा कुमार माना पवित्र बनना है, ये प्रैक्टिस है, एक पैर उधर एक पैर उधर नहीं, वो नहीं बनना। ब्राह्मण माना पवित्र, जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक ब्राह्मण नहीं कहेंगे उसको, ब्राह्मण थोड़ा मना किया ना आज, आज तो उसे क्या कहा है? नहीं, क्या कहा है? पुरुषार्थी हैं जो, हाँ बीच वाला नहीं बनना है, बीच वाले को ब्राह्मण नहीं कहा, हाँ ना वो तो इधर के ना उधर के, हाँ वो उनको तो बाबा ने कहा वो तो किसी के ना, ना घर के ना घाट के, तो आज बाबा ने हटा दिए उनको। हाँ जैसे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसे हो गए वो। ऐसा है कि धोबी का कुत्ता मतलब उसको लेके जाते थे, धोबी है अपना, नहीं वो ना घर की रखवाली कर सकता है और ना वो घाट का रह जाता है, क्योंकि घाट पर कोई काम नहीं है उसका, और ना घर का समझ पाता है अपने आप को, ना घाट का समझ पाता है। मतलब वो जैसे कोई घर में पालतू है तो घर में काम तो करेगा, कुत्ता ना तो घर में कोई काम करे, उसका धोबी के साथ चला गया, अब वो घाट का भी नहीं रहा, घाट में भी उसका कोई काम नहीं, घर में भी उसका कोई काम नहीं, मतलब जो किधर का भी ना रह पाया। अब जो कुत्ता घर में रहेगा, घर की रखवाली तो करेगा, वहां घाट पे क्या करना है उसे, मतलब किधर का भी नहीं रहा। जब तक तुम ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे, ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे मतलब पक्के पक्के ब्राह्मण नहीं बनेंगे, तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे, कैसे कहलाएंगे? अच्छा आज भोग है,
वीरवार है। ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म होती है, ब्राह्मणों को क्या होती है, खिलाने की रस्म होती है भाई। बाकी ज्ञान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ज्ञान का इससे कोई मतलब नहीं भोग लगाने का, ठीक है। ये भोग का मतलब किससे है, भक्ति से। यहां तो है ज्ञान का सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन, वहां फिर देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है। इसमें मूझने की कोई बात नहीं, इसमें मूझने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ। देवताओं और ब्राह्मणों का मेला कहां लगता है बताओ, संगम पर? जो देवता बन गए हैं बाबा ने उनको भी यही कहा है, वो ब्रह्मा कुमार हैं, ठीक है ना। और ब्राह्मण भी मतलब सूक्ष्म वतन में तो मिलते हैं ना, मेला तो यहीं लगेगा ना, यहीं पर ही देवता भी बनेंगे। क्योंकि बाबा ने जो शब्द कहे, बाबा के शब्द ये हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं एडवांस पार्टी है, चाहे एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं, ठीक है, वो भी ब्रह्मा कुमार ही कहलाएंगे। क्योंकि वो पुरुष मेला जहां पर शिव बाबा है वहां मेला है ज्ञान गंगा और ज्ञान सागर का। मतलब जो हम क्या बोलते हैं मधुबन में गए जहां मुरली चल रही है, ठीक है नहीं, जहां मुरली चल रही है वहां तो सिर्फ क्या होंगे, ज्ञान गंगा है, वहां तो दूसरे कोई हो नहीं सकते। अब इस जहां पर मतलब जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां और जो सतयुग के एडवांस स्टेज की आत्मा सूक्ष्म वतन में मिलते हैं तो वहां वो देवताएं आते हैं। मतलब वहां सूक्ष्म वतन का हो, चाहे वो यहाँ स्थूल में भी वर्क तो करते हैं, पहचानेंगे तो नहीं, ठीक नहीं, पहचानेंगे तो नहीं, सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। जब सूक्ष्म वतन में भी मिलते हैं तो इस ड्रेस में मिलते हैं, वर्तमान जो उनकी ड्रेस है उस ड्रेस में भी वहां नहीं मिलते। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन, वहां फिर देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मिलन लगता है। इसमें मूझने की बात नहीं, बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ। देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते, ये सब टेम्परेरी, ये सब क्या है, टेम्परेरी, धोखा देने वाले। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ। मुझ एक को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी, अंत मति सो गति हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। रोज क्लास में पूछो, क्या पूछो, शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे, क्लास में पूछो अपने आप से या भाई बहनों से, पहले अपने आप से पूछो, शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे? शिव बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो, ये प्रतिज्ञा करो। क्या करना है हमको, अब शिव बाबा की मत पर चलना है, ये प्रतिज्ञा करना। बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है, फेमस है श्रीमत,
अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, कैसे कहते हैं, ब्रह्मा भी उतर आए ना, इसको नहीं समझा सकते। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं, भगवान के लिए भी कहते हैं। भगवान भी आ जाए इसको कोई नहीं सुधार सकता, बाबा भी, ब्रह्मा भी उतर आए तो भी इसको नहीं पढ़ा सकता। ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंच है ना, जब भोजन पर बैठते हो तो भी शिव बाबा को याद करो, मोस्ट बिलवेड बाप है, जैसे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं। इस याद से बहुत ताकत आएगी, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते, भारत को अब शिव बाबा के श्री मत की दरकार है, बाबा के श्री मत की दरकार है। किसको? भारत को। क्यों क्यों दरकार है? क्योंकि दुखी नरक बन गया, क्योंकि बाप ही सर्व का सदगति दाता पतित पावन है ना। बाप और वर्षे को याद करना है, माया विघ्न भी अनेक प्रकार के डालेगी, उनसे डरना नहीं। जान तो बहुत सहज है, बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है, इधर उधर भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है ना। गीता पढ़ने की भी बात नहीं, जबकि बाप खुद आए हैं, बाकी सब शास्त्र हुए बाल बच्चे, बाकी सारे शास्त्र क्या हैं, बाल बच्चे, उनसे वर्षा मिल ना सके, बाल बच्चों से वर्षा मिल ना सके। बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है, बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। अच्छा, बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है, बाप दादा तो किसके सामने बैठे हैं, बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, ब्रह्मा द्वारा, मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सब का याद प्यार देता। अच्छा, इस याद प्यार से क्या बात समझ में आई? किसकी याद प्यार दे रहे हैं बाबा? मैं तुम्हारा बाप, ब्रह्मा द्वारा, मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता। शिव बाबा के, शिव बाबा ही कह रहे हैं ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा दादा की तरफ से भी, मम्मा की तरफ से भी, दादा की तरफ से भी, बच्चों की तरफ, सबका यादगार बाबा दे रहे। किसको दे रहे? मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक, मोस्ट बिलवेड बाप के साथ में को साथ में रख भोजन खाना। क्या मतलब है?
मोस्ट बिलवेड बाप को साथ में रख दो फिर भोजन खाओ। हाँ जी, साथ में रखो, कहाँ थाली में कहाँ रखे, हाँ नहीं कहाँ, मतलब कुर्सी पर बिठाएंगे या थाली में बिठाएंगे, क्या करें, खाएगा कुछ और, हाँ जी, अच्छा अपने बुद्धि में बिठाएंगे, यहाँ बिठाएंगे, आ जाओ मेरी थाली में, मेरी बुद्धि में बैठ जाओ जैसे मैं बैठा हूँ, और फिर देखो मैं तुम्हारे शरीर को क्या क्या खिला रहा, ठीक है, गलत तो नहीं है। तब ये बुद्धि में होगा कि बाबा मेरे साथ है, तो उसकी याद में वो चीजें शरीर को खिलाएंगे जो बाबा की आज्ञा पर, और यदि बाबा की आज्ञा वाली ना हो चीज और वो इसको खिलाई तो बाबा पहले भाग जाएगा, कहेगा तू खा ले मैं जा, मेरा रिश्ता कर, तो तू मेरा कहना ही नहीं मान, तू मेरा बच्चा ही, एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है, एक की श्री मत पर ही चलना है, बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना, जो कुछ भी इस संसार में है उसको क्या कह जाओ भूल। इसका ही संन्यास करना है, वरदान देह, देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भाव, देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त, क्या करूं, बच्चों का बंधन है ना, उनका भी तो कहना मानना पड़ता है, पोते दोते को भी तो जिम्मेवारी है, सास है, ननद है, पड़ोसी है, अड़ोसी, बंधन है ये, अकेले कैसे जाएं। फिर पदार्थों के बंधन, क्योंकि ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरे साथ जाएंगे, इनको तो मेरे को जरूर चाहिए, इनके बिना तो मजा नहीं आता। पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भाव, फरिश्ता अर्थात, और अच्छी तरह समझाया है, पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया, पुरानी देह से लगाव या रिश्ता खत्म। फरिश्ते का मतलब क्या है, पुरानी दुनिया जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये पुरानी देह और पुराने रिश्ते, इन सब से रिश्ता क्या खत्म। देह से आत्मा का रिश्ता तो है लेकिन लगाव का संबंध नहीं, अटैचमेंट नहीं, कभी भी इसको छोड़ना हो तो छोड़ो, ठीक है, जाओ शरीर को छुट्टी दे दो, जाओ तुम्हें दर्द होगा नहीं तो मेरे को छोड़ो, तुम अपना आराम, कर्म इंद्रियों से कर्म संबंध में आना अलग बात है, कर्म इंद्रियों से कर्म संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। लेकिन दादी प्रकाशमणि जब शरीर को छोड़ती हैं, उसके बाद जब संदेश लेने के लिए दादी गुजार जाती है, तो बाबा कहते हैं, बाबा से पूछती है कि दादी कहाँ गई है, तो बाबा उसका जवाब देते हैं, कार्मिक अकाउंट से गई है, कर्म के हिसाब किताब से गई। फिर आगे स्पष्ट किया,
कर्म बंधन से नहीं, कर्म कार्मिक अकाउंट और कर्म संबंध से, क्योंकि कर्म बंधन बनते हैं और कर्म संबंध भी बनता है। दादी जानकी, सॉरी दादी प्रकाश मणि का ये कहना कि वो कैसे गई है, कर्म संबंध से गई, लाइन को नोट करना, ये बहुत वंडरफुल लाइन है, बहुत गुह्य लाइन है जो दादी के शरीर छोड़ने पर दादी के लिए कहा। और इसके बाद दादी ने उसी संदेश में अपना अनुभव सुनाया है कि मैं कैसे शरीर को छोड़ रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था साक्षी रूप में मैं अपने शरीर को भी देख रही थी, मेरा अकवाब शरीर का कोई बंधन नहीं था, कोई आकर्षण नहीं था। और दादियों को भी, जो सब बड़े भाई बहने वहां सबके खड़े हुए थे, उन सब को भी साक्षी होकर देख रहे थे, आप सब को भी ऐसी कर्मातीत अवस्था का अनुभवी बनना है। और दादी प्रकाशमणि अपनी कर्मातीत अवस्था को बता रहे, मुझे कोई भी शरीर का कोई आकर्षण नहीं था, शरीर मेरा सामने पड़ा हुआ था, सारे दादियां भी खड़े हुए थे, सबको मैं साक्षी होकर के देख रही थी, बस एकदम साक्षी होकर। कर्मातीत अवस्था का अनुभव और कर्म संबंध में जाना। कर्म संबंध कब होते हैं, कर्म संबंध कब होते हैं, तो कर्म बंधन कब होता है, फिर कर्म बंधन कब होता है, देह समझ कर कर्म किया तो कर्म का बंधन हो गया, आत्मा समझ कर कर्म किया तो संबंध हो गया। तो दादी प्रकाशमणि कहाँ गई है, बाबा कहते कर्म संबंध से कार्मिक अकाउंट के हिसाब से गई है। दो शब्द, कर्म संबंध और कार्मिक, क्योंकि हर आत्मा का कार्मिक अकाउंट है वहीं जाएगी, और कार्मिक अकाउंट भी कैसा है, कर्म संबंध वाला है, मीन्स सतयुगी, मीन्स सतयुगी। ये लाइन कितनी वंडरफुल है, मतलब एकदम स्पष्ट है, जब दादी प्रकाशमणि सतयुगी संबंध में जा रही है तो कृष्ण कहां जाएगा, बाकी दादियां कहां जाएंगी, मतलब एक ही गहरा कंप्लीट रास खोला हुआ है। हां जी, बना ली उन्होंने कर्मातीत अवस्था बने, और खुद कह रही है देखो मैं शरीर का भी भान नहीं है मुझे, मैं शरीर के भान से भी न्यारी थी और आपको भी मैं देख रही थी, है नहीं, और सब कोई मतलब मुझे आकर्षण भी नहीं था, एकदम न्यारी और प्यारी थी ना, सारे खड़े वरना आकर्षण हो कि इनको मैं कहूं इनको मैं पूछूं, नहीं, वापिस शरीर में भी जा सकती थी। हाँ, मतलब ये बात कह रही है दादी, खुद अपने मुंह से कह रही है कि ऐसी कर्मातीत अवस्था आप भी बनाओ। मतलब ये देखिए ना कितनी कमाल की बात है ना, सबको कह रही है कि कर्मातीत अवस्था ये है कि जहां किसी भी संबंध का, किसी भी वस्तु का, इतने बड़े यज्ञ का कोई आकर्षण नहीं, परंतु बाबा को जाके कहा। हाँ जी, वो कर्मातीत अवस्था यही है ना भाई। हाँ जी, क्या छोड़े, सारा कुछ छोड़ देना, मतलब सबके साथ रहते हुए, दादी ये तो ना कि सबके साथ नहीं रहती थी, सबके साथ रहते हुए
बुद्धि को हमने ये पाठ पढ़ाना है कि जो कुछ भी हो रहा है राइट, रॉन्ग इज ऑल्सो राइट, राइट बस। ड्रामा में गलती हो नहीं सकती। मान लो किसी ने मेरा घर तोड़ दिया तो राइट, अब आप अपनी अवस्था को खराब किए बिना उससे रिपेयर करवाओ या जो भी करवाओ, वो तो आपकी अवस्था खराब नहीं हो। जिसको बाबा ने कल की मुरली में हमें समझाया था, क्या बन जाओ, मालिक और बालक के बैलेंस में। बच्चे की जगह मालिक नहीं बन जाओ और मालिक की जगह बच्चा नहीं बन जाओ, क्योंकि सलाह दो, बात कहो, माने उसकी मर्जी, ना माने बस पीछे हट जाओ तुरंत। फिर उस बात को अपने अंदर नहीं रखना कि मेरे कारण उसका घाटा हो गया, मैंने गलत बता दिया, डिप्रेशन में चले जाएं कि मैंने मेरे कारण उसका घाटा हो गया। नहीं, फायदा हो गया तो भी फूलना नहीं है अपने अंदर, किया उसने है, पाया उसने, मैंने कहा, मेरा कहना था, मैंने कह दिया, मेरे कारण चाहे उसको घाटा हुआ चाहे उसको फायदा हुआ, मेरे को ना तो दुख की फीलिंग आए ना खुशी की फीलिंग। ये है साक्षी होना। हाँ जी, जोर से बोलो तभी समझ में आएगी बात। लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना, देह समझ कर कोई कर्म, परिष्ठा अर्थात संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। परिष्ठा अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। कर्म तो वही करने साधन, वही खाना बनाना है, वही बर्तन धोने हैं, वही सफाई करनी है, वही दुकान पे जाना है, वही ड्यूटी करनी है, परंतु हर काम करते हुए जितना काम हुआ ओम सब बराबर, कोई शिकायत नहीं। अच्छा हो तो खुशी नहीं, खराब हुआ तो शिकायत, ना देह का बंधन ना देह के संबंध का बंधन। ये मेरा बेटा है, मेरा भाई है, इसके लिए तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं। कोई देह का संबंध का बंधन भी नहीं, ना देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त परिश्ता है, जीवन मुक्त परिश्ता है। स्लोगन, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है क्या, रूहानी स्नेह की संपत्ति, रूहानी स्नेह की संपत्ति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, आज की मुरली का सार है, बदनसीबी और खुशनसीबी, बदनसीबी और खुशनसीबी, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब इन दोनों शब्दों का मदार किस पर है, किस पर मदार चलता है, ये तो हम जानते हैं, खुशनसीब बनाने वाला परम आत्मा है। खुश नसीब बनाने वाला कौन है, बनाने वाला परमात्मा है, तो बद नसीब बनाने वाला कौन है, आज नहीं है रावण, हाँ आप खुद मनुष्य ही अपने आप को बद नसीब, आपने संकल्प गलत किया तो किसका भाग्य खराब किया, संकल्प पर ही तो टेंशन देना है,
जहां जरा भी गलत संकल्प आने लगे तुरंत अपने आप को समझाना है, नहीं तुरंत उसको ब्रेक लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, नॉट अलाउड, तुमने नहीं आना, तुमने नहीं आना। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं। तकदीर को बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है, जैसे कर्म करो ये सब मनुष्य के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। क्या कहते हैं, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो मर्जी आवे दे करता, ऐसे कहते हैं ना, तेरी मर्जी है भगवान जो दे, हम खुश है तेरी रजा पर। अब देखो मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितने माया के तरीके निकालते, फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते, माया को छोड़ने से क्या समझते, अपने को सुखी समझते। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उस समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से देवी देवता सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुश किस्मत बनाते। मनुष्य गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब ये महिमा किसने किसके लिए गाई हुई है, किसके लिए गाई हुई है, अवश्य परम आत्मा के लिए भगवान का गायन है, क्योंकि परम आत्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि के को अपार सुख देता है। परमात्मा ने जरूर कभी तो सुख की सृष्टि बनाई है, कभी तो बनाई है, तभी तो उनको मात पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख था तो शांति भी थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्यों के अंदर ये चाहना उठती है कि वे सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं। फिर ऐसे भी
मांगते हैं। कैसे? कि हम पवित्रता, हम पतिव्रता नारी बने। जब तक मेरा पति जिंदा है हम दुहागिन ना बने। विधवा कौन जिंदा है, कौन है पति? विधवा क्या होता है? विधवा बनना क्या होता है? पति मर जाए है नहीं? और जो पति मर जाता है तो फिर वो रोती है। यहां विधवा का मतलब रोना। जब बच्चा रोता है, हाँ जब रोता है तो बाप कहता है मैं मर गया हूं क्या, विधवा हो गई हूं। बाबा के शब्द समझ रहे हैं यानी रोने वाला दुखी होता है ना, वो रोता है। जो दुखी है तो बाबा कहते मैं जिंदा बैठा हूं ना, पतियों का पति मैं बैठा हूं, फिर क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो, किस लिए दुखी हो? जब तक मेरा पति जिंदा है हम दुहागिन ना बने, हम ना रोएं। तो चाहना तो सुख की ही रहती है ना, तो परमात्मा भी कोई समय उनकी आश अवश्य पूर्ण करेंगे। सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख। जहां स्त्री कभी दुहागन नहीं बनती, जहां स्त्री कभी दुहागन नहीं बनती तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय क्या है? है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। दुखी मनुष्य फिर कह देते हैं कि प्रभु का भाणा मीठा करके भोगना है। दुनिया वाले क्या कहते हैं? भगवान ने जो भी दिया है अच्छा समझकर भोगना, कोई बात, जो तेरी मर्जी दे दे। परंतु वे कभी किसको दुख नहीं दे सकते। खुद भोगेंगे तो किसी दूसरे को दुख वे हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतु कराते हैं, तभी हम कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल टेलीग्राम, फोन नहीं। ओम।